अपने प्रोत्साहित करना है, आप लोगों ने उनको ज्ञान देना है कि हाँ जब हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ाना है। अगर आप हौसला बढ़ाओगे तो अगर मान लो कि 10 में से एक आदमी नहीं कर पा रहा है किसी भी मजबूरी बस, तो आप उससे भी करवा दो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुछ और नई चीज़ें आपको हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं ये बताएंगे, दिल्ली से आप लोग ये इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ और आपको थोड़ी बात है और बताएँ। पहले तो आप सबको नाम बताई दिया है सर ने, मेरा नाम सिमरन है और आपके पास हमारी टीम के ये तीन लोग आते हैं हर रोज, ठीक है। कभी कभी आपको दुखी कर देते हैं खाना बनाते हुए, दरवाजा खटखटाते हैं, रोज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये अब हमारा ना मुझे लगता है कि रिश्ता बन गया है, हर दिन आते हैं, हर दिन आप भी जान गए हो, ये रेनू है, ये रवि है, वो किरण है, ठीक है। अब इन बच्चों के भी नाम पता लग गए हैं और ये भी लोग भी जब आपको प्यार से आंटी कहते हैं तो इनका भी बस यही तरीका है कि हम सारा कचरा अलग अलग करें। तो हमारे कचरे किस तरह से अलग होते हैं, गीला सूखा, दो तरह से हमारा कचरा अलग होता है। सूखे में क्या आता है कोई एक बता देगा? सूखे में तो जैसे पॉलिथीन हो गई, कागज वगैरह हो गए, ये सब है, लकड़ी वगैरह हो, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, हमारा हमारा डब्बा हो गया, ठीक है। गीले में क्या आता है कोई इधर से बता, जो भी आपका रसोई का, ठीक है। और गीले में हमारा क्या आता है, मूंगफली के छिलके। गीले में हमारा क्या आता है, जिस किसी भी चीज़ से खाद बन सकती है, हमारी पत्तियाँ गीले में आती हैं, ये सब कुछ हमारा गीले में सूखे में, ठीक है। और एक और वेस्ट है जो आप सब जानते हैं, वो कहाँ डालना होता है, ठीक है। तो वो उस बारे में बात नहीं करते, आप लोगों को पता है कि वो कहाँ पर डालना होता है, किसी बच्चे की नैपकिन है, हगीज का कुछ भी है, वो सब हैज़ार्डस वेस्ट में डालेगा, पीछे डब्बा टंगा हुआ है। ये बात आप बार बार और आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार दोबारा बता सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलूँगी, ये क्वालिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप लोग बहुत अच्छा अलग कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे कभी ये नहीं बोलते कि इनकी किसी से बहस हो गई है या कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग बात सुनते भी और आप अलग भी करते हैं। हमें सिर्फ ये कोशिश करते रहते हैं कि अगर किसी दिन किसी का घर छूट जाए, हम ना आए, अब हम लोग हर दिन भी परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है। अब हमें लगता है कि आप लोग सीख गए, तो आप लोग उस कूड़े को खुद अलग अलग करें। कूड़ा अलग अलग करने से हम दो तरह का काम करते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, हम उनकी भी मदद करें जो हमारे लिए कूड़ा अलग करते हैं और उन्हें हमारे लिए उठाते हैं। अपना कचरा हम खुद ही समेट, हम उनको भी एक इज्जतदार काम करने का हक दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम दो काम कर रहे हैं और हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ और ऐड करना है रवि रीनू, ठीक है। थैंक यू।